नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में समाजवादी पार्टी दफ्तर को जिला प्रशासन ने खाली करा दिया है। जी हां, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में ही समाजवादी पार्टी के सालों पुराने कार्यालय पर प्रशासन ने शिकंजा कसते हुए कार्यालय को खाली करा दिया है। सपा का नगर कार्यालय जिस जगह पर बना था वो जगह जिला पंचायत की ओर से आवंटित की गई थी, इसी को खारिज करते हुए प्रशासन ने कार्यालय खाली करा लिया। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन किया गया। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि राजनीतिक लड़ाई के कारण किया जा रहा है, हम लोग न्यायालय में मामले को लेकर जाएंगे। इतना ही नहीं, मैनपुरी के देवी रोड नगर पालिका के नजदीक सपा का ये कार्यालय बना हुआ था। इस पर जिला पंचायत विभाग के अपर मुख्य अधिकारी ओपी सिंह ने 9 सितंबर को नोटिस चस्पा कराया किया था। नोटिस में लिखा गया था कि सपा नगर कार्यालय के लिए जिला पंचायत की जमीन पर बने दो कक्षों का आवंटन किया गया है। कार्यालय दूसरी जगह बनने से 5 सितंबर को ये पट्टा खारिज कर दिया गया और 2 दिन में कार्यालय को खाली करा दिया गया। इसके बाद भी सपाइयों ने कार्यालय खाली नहीं किया तो प्रशासनिक अधिकारी यानी कि पुलिस फोर्स के साथ सपा कार्यालय को खाली कराने पहुंचे और कार्यालय में रखा फर्नीचर और अन्य सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में लदवा दिया गया। इसके बाद कार्यालय में ताला भी लगवा दिया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि शासन ने नया सपा कार्यालय बन जाने के बाद जिला पंचायत की जमीन खाली कराई गई। यहां जिला पंचायत अपना कॉम्प्लेक्स बनवाएगी। इस मामले में पूर्व सदर विधायक राजू यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन उनको वहां से कोई राहत नहीं मिली। उनका कहना यह है कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अब जिलाधिकारी या शासन इस पर आगे क्या बड़ी कार्रवाई करता है। तब तक ले आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।